हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चल सरकारी नौकरी में। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभ्यर्थियों के भारी विरोध को देखते हुए एक बयान जारी किया था। उस बयान को मैं फिर दोहरा रहा हूँ। 3 माह में इन्होंने भर्ती, जितनी भी खाली पद है उन पर भर्ती निकालने की बात कही है। 6 महीने में नियुक्ति पत्र सबको दे दिए जाएंगे, इस तरह का वक्तव्य मुख से निकला है। अब यह वक्तव्य नियुक्ति पत्र में तब्दील होगा। उस दिन का सबको इंतजार रहेगा, उस दिन का सबको प्रतीक्षा रहेगा। फिलहाल अगर बात करें तो कुछ ऐसे निर्णय जो इन्होंने लिए थे वो आप वापस ले रहे हैं। जैसे अगर बात करें कि 50 वर्ष से ऊपर जैसे ही आपकी आयु होगी तुरंत आपको रिटायर कर दिया जाएगा, चाहे आप शिक्षा विभाग के हों, पुलिस विभाग के हों, या आप चिकित्सक विभाग के हों, किसी भी विभाग के हों, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इस बयान को लेकर के, वहीं 5 साल संविदा को लेकर के, इन दोनों बयान को लेकर करके सरकार अपनी बातों से पलट गई है। आइए देखते हैं वो बयान जिस पे वो कैसे पलटे हुए हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नौकरी में 5 वर्ष की संविदा शुरू करने की कोई मंशा नहीं है और ना ही रिटायरमेंट में 50 वर्ष की आय सीमा है। ये सब झूठ है और जितने विपक्षी पार्टी हैं सब ये अफवाह फैला रहे हैं ताकि हम लोगों की पार्टी की बदनामी हो। अगर इस तरह का अफवाह फैला रहे हैं तो अभ्यर्थियों के रोड पे आने से पहले ही यह बयान क्यों नहीं जारी किया गया? इनको लगा कि इनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, आगे आने वाले समय में इनको वोट नहीं मिलेगा इतने अभ्यर्थियों से, तो इन्होंने अपनी बात को पलट दिया। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष संविदा वाली बात झूठ है और 50 वर्ष रिटायरमेंट वाली भी बात झूठ है। सारी बातें झूठ ही हैं, तो सही क्या है वो तो समय ही बताएगा। फिलहाल नियुक्ति के लिए अभी भी टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थी भटक रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की हजारों भर्तियाँ भी फंसी हुई हैं। अगर अन्य वैकेंसी की बात करें एलटी ग्रेड की, तो एलटी ग्रेड के बारे में भी खुशखबरी है कि इसका रिजल्ट जो है जल्दी ही जारी करने का निर्णय लिया गया है। आपको पता होगा कि 2 सब्जेक्ट हिंदी और एसएसटी के अभी तक लटके हुए थे, इनका भी नंबर आ गया है। जल्दी ये लोग अपने विद्यालयों में दिखेंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया जारी है एलटी ग्रेड की, और जिस विषय का भी जो भी मामला लटका हुआ था अब धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। अभ्यर्थी काफ़ी बार इसको लेकर के धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। रिजल्ट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 44 बार अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया है, तब जाकर के 3287 पदों का रिजल्ट जितना भी था सब क्लियर किया गया है। फिलहाल काफ़ी मशक्कत के बाद रिजल्ट निकालते हैं। जब इनको लगता है कि लड़के नौकरी पा जाएंगे तब देखते हैं कि कौन ऐसा पैतरा चले जिससे ये नौकरी से बाहर हो जाए। और वहीं पीसीएस परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होता है इसमें सिर्फ हिंदी माध्यम में परीक्षा हो, इंग्लिश का नामो निशान मिट जाए। और वहीं यूपी की जो महिलाएं हैं केवल उन्हीं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, अन्य किसी स्टेट वाले को नहीं मिलना चाहिए। इस तरह की मांग की गई है, जल्द ही इस मांग को पूरी की जाएगी क्योंकि अभ्यर्थियों की ही बात इस समय मानी जा रही है। भले ही मौखिक मानी जा रही है, अभी तक वह हवा में ही है, अभी प्रैक्टिकली नहीं उतरा है, लेकिन समय आने पर पता चल पाएगा कि उन्होंने सही बोला है कि मात्र एक दिलासा दिया है। 68,500 की वैकेंसी में जो 2018 में परीक्षा हुई थी उसको लेकर के कुछ अभ्यर्थियों का परीक्षा फल रुक गया था। इसमें अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट ने आदेश दिया कि पुनर्मूल्यांकन किया जाए और इन लोगों का रिजल्ट भी काफ़ी मशक्कत के बाद निकाला गया है। अब जल्द ही इन लोगों को भी इनके पद पर भेजा जाएगा। 2018 की वैकेंसी की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सब विभाग हैं जिनमें 2,94,080 वैकेंसीज हैं, और जिसमें जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है तो पुलिस विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग यानी कि 69,000 की बात है, कुल भर्ती इतनी है, प्रक्रियाधीन है इतनी, और यूपी टीपीएससी की भी प्रक्रियाधीन है 5,000 वैकेंसी। बाकी अगर बात करें किन पोस्ट पर कितने पद खाली हैं तो लेखपाल के लिए 9,000, स्वास्थ्य विभाग में 5,300, 10,056, परिवहन विभाग में, आवास विकास में 200, और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 3210, वाणिज्य करके 430 वैकेंसी अभी खाली हैं। इन वैकेंसीज़ को निकाला जाना है। वहीं पुलिस विभाग की काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं जो आने वाली हैं, और 51,000 के आसपास जो शिक्षक का, प्राइमरी शिक्षक का पोस्ट खाली है उस पर भी वैकेंसी आनी है। और वहीं 3900, लगभग 4,000 के आसपास असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आने वाली है, 20,000 के आसपास टीजीटी पीजीटी आने वाला है, ये सब आने ही वाला है। आ क्यों नहीं रहा है इसको लेकर के लोग जिम्मेदार जो है नहीं सोच रहे हैं। जल्द से जल्दी वैकेंसी दे देना चाहिए, किसी तरह का बयान नहीं जारी करना चाहिए, हम तो यही कहते हैं, क्योंकि जो करना है वो करिए, बाकी तो दिखेगा ही कितने महीने में हो रहा है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।